देखिए फ्रेंड्स, लग रही है ना बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही लाजवाब ये मिठाई। तो ये मिठाई की रेसिपी आज हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो और हमने कैसे बनाया है इस रेसिपी को, वीडियो को पूरा देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही सॉफ्ट मिठाई हमारी बन करके रेडी होती है और बहुत ही जल्दी बन जाती है। फ्रेंड्स देखिए कितनी अच्छी कितनी सॉफ्ट बनी है, आपको ये देख कर समझ में आ रहा होगा। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इस स्वीट डिश रेसिपी को बनाने के लिए हमने ये चावल ले लिया है। चावल को हमने कॉटन के कपड़े से पोंछ लिया है। आप चाहें तो इसको धुल के फिर उसके बाद मतलब कि सुखा दीजिए इसका पानी, फिर उसके बाद बनाइए। तो हमने चावल को धुला नहीं है, इसको हमने कॉटन के कपड़े से पोंछ लिया है अच्छे से। और अब हम इसको चलते हैं इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, अब हमने कढ़ाई रख दी है गैस पे, गैस की फ्लेम को ऑन कर दिया और अब इसमें हम घी ऐड करेंगे। आप चाहें तो रिफाइंड ऑयल में भी बना सकते हैं, मगर हम इसमें देसी घी ऐड कर रहे हैं। तो देखिए हमने घी ऐड कर दिया है और हमारा घी गर्म होने लगा है। और अब इसमें ये चावल जो हमने लिया है ना, इसको हम ऐड करके भूनेंगे चावल को। तो देखिए हमारा घी गर्म हो रहा है, इसी टाइम पर हम इसको चावल को ऐड कर देंगे इसमें और अच्छे से इसको हम रोस्ट करेंगे। अच्छे से चावल को घी के साथ भूनेंगे, अच्छी तरीके से चलाते हुए चावल को हमें अच्छे से रोस्ट कर लेना है। बढ़िया अच्छी तरीके से भून लेना है चावल को। जब ये भूनने लगेगा तो इसका कलर खुद ही चेंज हो जाएगा, आपको देख के ही समझ में आएगा। अगर आपके पास घी है तो आप इसको घी से बना सकते हैं, नहीं है तो आप इसको मतलब कि रिफाइंड ऑयल में भी इस टाइम पर भून के बना सकते हैं। आपके यहाँ जो भी खाने में तेल यूज होता हो, घी यूज होता हो, आप उससे बना सकते हैं। प्लीज़ फ्रेंड, अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा, जिससे कि हम जो भी नया वीडियो लेकर आएँ उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत ही मिल जाए। तो देखिए इसी तरीके से हम इसको भून लेंगे। घी से भूनने से क्या है ना फ्रेंड, कि इसकी मतलब कि मिठाई की टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो हम इसको खाने में ना, मिठाई हमारी जो बनती है बहुत ही अच्छी लगती है। जैसा कि रक्षाबंधन आ रहा है तो महंगी मिठाई लेने के लिए हम मार्केट जाते हैं, तो घर में मौजूद चीज़ों से ये मिठाई हम बना करके बहुत ही अच्छी मिठाई हमारी रेडी हो जाती है। तो देखिए इसको हम थोड़ा मतलब कि गोल्डन ब्राउन हो जाए, लाल लाल हमारे जब ये चावल के दाने होने लगे उतनी देर तक हम इनको भूनेंगे। देखिए इसका कलर अलग से चेंज हो रहा है, एकदम चावल के दाने सब पक रहे हैं अच्छे से घी में, तो इसके कलर देख के ही आपको समझ में आ रहा होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा चावल खूब अच्छे से भुन गया है, इसका कलर सारे दाने एकदम फूट गए हैं, लाई की तरह हो गए हैं। और अब इसको हम एक प्लेट में निकाल करके ठंडा होने के लिए रख देंगे। गैस की फ्लेम को यहाँ पे हम बंद कर देंगे और अब इसको हम निकाल लेते हैं प्लेट में। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने चावल को निकाल दिया है, ठंडा होने के लिए रख दिया। और अब इसी सेम कढ़ाई में हम एक कप ये दूध ऐड करेंगे। देखिए चाहे आप कप गिलास किसी भी चीज़ से लीजिए, मेजरमेंट अपने हिसाब से कर लीजिएगा। तो हमने ये पाव मतलब एक पाव जितना दूध यहाँ पे लिया है और उसी से हम कढ़ाई में हम बना रहे हैं। तो अब देखिए इसको हमने घी को ले लिया है, घी दूध हमारा गर्म होने लगा है। अब इसको हम और देखिए दूध हमारा उबलने लगा है, दूध में उबाल आने लगा है। इसको हम अच्छे से थोड़ा सा उबाल आ रहा है, इसको पकने देंगे थोड़ी देर। और ये देखिए हमने इलायची ले ली है, इलायची को बीज को निकाल लिया है हमने। अब इसको हम खलबट्टे में ऐड करके और इलायची को हम कूट लेंगे चीनी के साथ में। तो देखिए हमने खलबट्टे में इलायची ले ली है और इसमें हमने चीनी के कुछ दाने डाल लिए हैं। चीनी के दाने के साथ कूटने से अच्छे से कूट जाती है इलायची। और देखिए दूध में अच्छे से उबाल आना उबलने लगा है हमारा दूध। और अब इसमें हम चीनी ऐड करेंगे। चीनी आपने मतलब कि कितना ज़्यादा मीठा कम रखना है उस हिसाब से ऐड करिएगा। चीनी का मेजरमेंट अपने हिसाब से कर लीजिएगा, जितना कम ज़्यादा आप कितना बना रहे हैं उस हिसाब से आप चीनी ऐड करिएगा। देखिए हमने चीनी ऐड कर दी, अब चीनी हमारी घुलने लगी है। और अब इसी टाइम पे इलायची का पाउडर जो हमने कूट के रखा है उसको ऐड कर देंगे। और उसको ऐड करने के बाद अब इसको हम अच्छे से चीनी को घुलने देंगे और जब तक हम इसको चलाते रहेंगे। चलिए हम थोड़ा चेक कर लेते हैं कि हमारा चावल ठंडा हो गया है तब तक कि नहीं। तो देखिए फ्रेंड्स, चावल अच्छे से ठंडा हो गया है और अब इसको हम मिक्सर जार में ऐड करके इसको अच्छे से पीस लेंगे। एकदम महीन पीसना है, इसका अच्छा सा पाउडर बनाना है। तो चलिए इसको हम पीस लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने पीस लिया है चावल को, एकदम बारीक पीसा है, आप देख सकते हैं इसको एकदम बारीक पीस के रेडी हो गया है। अब चलिए अब हम इसको आगे
बनाना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए इधर हमारी चीनी भी अच्छे से मेल्ट हो चुकी है और अब इसमें हम सबसे पहले ये मिल्क पाउडर देखिए हमने लिया है, इसको ऐड कर देंगे। थोड़ा थोड़ा ऐड करते हुए इसको हम थोड़ा थोड़ा ऐड करेंगे, ऐसे चलाते रहेंगे धीरे धीरे, जिससे इसकी गुठलियाँ ना पड़े। इसी तरीके से मिल्क पाउडर को हम ऐड कर देंगे अच्छे से, और ऐड करके इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे मिल्क पाउडर को। चलाते हुए इन्हें हमें अच्छे से मिक्स करना है। तो देखिए फ्रेंड्स हमारा मिल्क अच्छे पाउडर अच्छे से मिक्स हो गया है। अब इसमें हम ये चावल का जो हमने पाउडर बना के रखा है इसको थोड़ा थोड़ा ऐड करके अच्छे से चलाते हुए इसको हम मिक्स करेंगे, जिससे इसकी गुठलियाँ ना पड़े। इसको खूब अच्छे से बराबर डालने के बाद इसको हमें एकदम बराबर चलाते ही रहना है, हाथ को रोकना नहीं है। इसको इसी तरीके से एकदम बराबर प्रॉपर चलाते ही रहना है। देखिए इसी तरीके से अच्छे से हम इसको मिलाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स पकड़ने के लिए हमने कपड़ा ले लिया, क्योंकि कढ़ाई गर्म है तो ये मतलब कि पकड़ अच्छे से चलाने में घूमने लगती है कढ़ाई। तो इसको इसी तरीके से हमें प्रॉपर तरह चलाते हुए मिक्स करना है एकदम अच्छे से। देखिए कितना अच्छा इसका बेटर लग रहा है, आपको देख के ही समझ में आ रहा होगा। और अब इसको खूब अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है इसी तरीके से, जब तक ये कढ़ाई छोड़ने ना लगे तब तक इसे चलाते हुए हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है इसी तरीके से। देखिए और अब यहाँ पे आप इसमें एक चम्मच घी ऐड कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पे हमने ये 30 ml कप से घी लिया है और अब इसको ऐड कर देंगे। इसका मतलब फ्लेवर घी का हो जाता है ना, घी रहता है इसमें, तो टेस्ट इसका बहुत ही अच्छा आता है फ्रेंड्स। इस तरीके से आप इस मिठाई को बनाएंगे ना तो आपकी मार्केट वाली मिठाई से अच्छी बनकर रेडी होती है आपकी ये मिठाई, तो बहुत ही अच्छी लगती है खाने में फ्रेंड्स। सब बड़े प्रेम से खाएंगे, एक बार आप बना कर ट्राई करिएगा ज़रूर इसको। देखिए अब अच्छे से इसको हम इसी तरीके से मिक्स कर देंगे। घी डालते ही देखिए कितने अच्छे से हमारी ये मिठाई कढ़ाई छोड़ने लगी है। और अब इसी अच्छे से चलाते हुए इसको हम मिक्स कर लेंगे ऐसे ही। देखिए चम्मच में हमारे चिपक रहा है, इसको दूसरे चम्मच की हेल्प से हम इसके चम्मच को भी एक बार साफ कर देंगे, अच्छे से छुड़ा देंगे चम्मच को। देखिए बहुत ही कम चीज़ों में बहुत ही बेहतरीन ये मिठाई हमारी बनकर के रेडी होती है फ्रेंड्स, तो आप भी इसको ट्राई ज़रूर करिएगा। देखिए हम इसको अच्छे से, घी डालने से क्या है ना कि देखिए तुरंत कढ़ाई से अच्छे से छोड़ दिया एकदम कढ़ाई में, कहीं भी चिपका हुआ आपको नहीं दिखेगा इसका बेटर। देखिए कितना अच्छा हमारा ये मिठाई का टेक्सचर बनकर रेडी हो गया है। और अब इसको हम एक प्लेट में निकालेंगे ठंडा होने के लिए। देखिए तो देखिए फ्रेंड्स हमने इसको ठंडा कर लिया, अब ये अच्छे से हमारा बेटर ठंडा हो गया है। तो आप जिस भी शेप में इसकी मिठाई बनाना चाहें, पेड़ा जैसा बनाना चाहें, या किसी भी शेप में जैसा भी आपका मन करे उस वैसा आप इसको बना सकते हैं। वो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप किस तरीके से बनाना चाहते हैं इसकी मिठाई। तो देखिए हम तो यहाँ पे ये मोल्ड लिए हैं केक बनाने वाला, उसमें इसके बेटर को ऐड कर देंगे। तो आपके पास अगर पेपर है तो आप पेपर लगा के यूज करिए, नहीं तो आप बगैर पेपर के भी इसमें सारा बेटर ऐड कर दीजिए। सबसे पहले थोड़ा सा हम इसमें घी लगा देंगे नीचे इसके पेंदे में, तो बस थोड़ा सा घी लेकर के इसमें से ग्रीस कर देंगे चारों तरफ से, जिससे खूब अच्छे से छोड़ दे चिपके ना इसमें। तो देखिए इसको अच्छे से हम इसमें ग्रीस कर देंगे। ये जो हमारा बेटर है देखिए हमने इसमें ऐड कर दिया। इसको पहले हम हाथ से अच्छे से बैठा देंगे, चारों तरफ से सेट कर देंगे इसमें, और फिर एक कटोरी की मदद से चिकना कर देंगे। तो देखिए हमने हाथ से सेट कर दिया है, और ऐसे कटोरी वटोरी किसी चीज़ की मदद से थोड़ा इसको अगर आपको करना है तो थोड़ा चिकना कर दीजिए, नहीं तो ऐसे सेट हो गया है खूब अच्छे से। और अब इसको हम, अभी ये थोड़ा गर्म है ना, तो इसलिए आप अगर आपको इसको तुरंत कट करना है तो आप इसको थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख दीजिए, नहीं तो इसको नॉर्मल टेम्परेचर पे थोड़ा देर के लिए छोड़ दीजिए, और फिर इसके बाद आप इसको पलट के कट कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स हमने इसको ठंडा कर लिया है, अभी ठंडा हो चुका है, इसमें हमने चांदी का वर्क भी लगा दिया है। और अब इसको हम कट करेंगे, तो आप अपने मन चाहे शेप में कट करिए, जिस तरीके से भी आपको कट करना है तो हम ऐसे काट लेंगे इसको। देखिए इनको हमने कट कर लिया है, अब आपको एक आध पीस हम उठा करके दिखा देते हैं कितनी अच्छी हमारी ये बर्फी बन करके रेडी हुई है मिठाई, और बहुत ही खाने में भी बहुत ही अच्छी लगती है फ्रेंड्स। देखिए कितनी सॉफ्ट है,
तो आप भी इस तरीके से इसको ट्राई जरूर करिएगा। चलिए आगे एक और नए वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए राधे राधे।